हेलो हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो इस सीरीज में अभी तक हम लोगों ने ये समझा कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, उसकी डिफिनीशन को समझा, और उसका देखा कि रिसर्च फील्ड में उसके क्या क्या यूजेस हैं उस, और फिर उसके मेजर्स देखें, और साथ में देखा जो इसमें सीरीज आती हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज, जैसे कि इंडिविजुअल सीरीज हो गई, डिस्क्रीट सीरीज हो गई, क्लास डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज या कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी सीरीज हो गई, वो सीरीज क्या होती हैं उन सीरीज को समझा। फिर हम लोगों ने देखा उसकी मेजर्स, जैसे कि मीन क्या होता है, साथ में देखा कि मीन को कैसे फाइंड करते हैं, उसके क्या फार्मूले होते हैं इन डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज। उसके बाद हम लोगों ने फिर मीडियन को समझा कि मीडियन क्या होता है, मीडियन कैसे फाइंड करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज, उसका क्या फार्मूला होता है, उसका क्या मेथड होता है। तो हम लोगों ने मीन समझ लिया, मीडियन समझ लिया, और आज के वीडियो हम लोग देखेंगे कि मोड क्या होता है। साथ में ये देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज में हम लोग मोड को कैसे फाइंड करते हैं और इसके क्या क्या मेथड होते हैं, क्या क्या फार्मूले होते हैं। तो आज हम लोग समझेंगे कि मोड क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी एक डिफिनीशन समझ लेते हैं। डिफिनीशन क्या है? द मोस्ट फ्रिक्वेंट नंबर दैट इज द नंबर दैट अकर्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। जो नंबर, अगर इसको सिंपल भाषा में समझा, सिंपल लैंग्वेज में बोलें, तो कोई अगर हमारे पास सीरीज, डेटा सीरीज दी गई है, उस डेटा सीरीज में कोई नंबर कितने टाइम्स रिपीट हुआ, जो नंबर जितने ज़्यादा बार रिपीट हुआ होगा, वही हमारी जो दी गई सीरीज है, डेटा सीरीज है, उसका मोड होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये एग्जाम्पल हमने लिखा हुआ है, इस एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल क्या है कि हमने एक सीरीज दे दी गई है, ये ओके, ये सीरीज है 5 3 2 1 5 2 5। तो इस सीरीज का अगर हमें मोड पता करना होगा, तो मोड क्या है, यह हम देखेंगे कि इस सीरीज में कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, कितने टाइम्स आया। ओके, तो अगर हम लोग देखें 5 कितने टाइम्स आया है, 1 और फिर 2 एंड 3। ओके, अब हम लोग देखते हैं 3 कितने टाइम्स आया, 3 ओनली 1 टाइम। ओके, एंड 2 देखते हैं, 2 टाइम्स आया। ओके, एंड 1 ओनली 1 टाइम। तो इस सीरीज का जो नंबर है वो सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला नंबर कौन सा है, 5 है। कितने टाइम्स आया है, 3 टाइम्स आया। ओके, कितने टाइम्स आया है, 3 टाइम्स आया है। तो इस सीरीज की मोड क्या होगी, इस डेटा सीरीज की मोड क्या होगा, वो होगा 5 नंबर। ओके, तो जो होगा 5 होगा वो इस गिवन एग्जांपल का हमारा मोड होगा। ओके, तो अब हम लोग आगे समझते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज में कैसे फाइंड करेंगे, फिर डिस्क्रीट सीरीज में कैसे फाइंड करेंगे, और क्लास डिस्ट्रीब्यूशन या कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी सीरीज में मोड को हम कैसे फाइंड करेंगे। ओके, तो अब हमारे सामने सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज लिखी है। इंडिविजुअल सीरीज हम लोग जानते हैं कौन सी होती है, जिसमें कोई फ्रिक्वेंसी नहीं दी होती, सिर्फ डेटा दिया होता, उसे हम लोग इंडिविजुअल सीरीज बोलते हैं। अब इंडिविजुअल सीरीज में हमें डेटा दिया गया और पूछा गया फाइंड द मोड ऑफ दिस सीरीज। ओके, तो अब हम लोग क्या करना है, सिंपल इंडिविजुअल सीरीज में हमें कुछ नहीं करना, हमें नंबर्स को काउंट करना है, कौन सा नंबर कितने टाइम्स आया है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 7। 7 को देखते हैं हम लोग इस सीरीज में कितने टाइम्स आया, 1 टाइम एंड बस। ओके, 1 टाइम आया। अब हम लोग देखेंगे 8 कितने टाइम्स आया, 1 2 3। तो 8 कितने टाइम्स आया, 3 टाइम्स। अब 5 को देख लें, 5 ओनली 1 टाइम, 6 ओनली 1 टाइम, 1 ओनली 1 टाइम, 3 ओनली 1 टाइम। ओके, तो सबसे ज़्यादा रिपीट कौन सा नंबर हो रहा है, 8 कितनी बार रिपीट हुआ है, 3 टाइम्स। तो 8 जो है हमारा इस इंडिविजुअल सीरीज का क्या होगा, मोड होगा। तो इंडिविजुअल सीरीज में आपको बस नंबर काउंट करना है, कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, कितने टाइम्स आया है, जो नंबर जितने ज़्यादा बार टाइम्स आया होगा वही उस गिवन डेटा सीरीज का क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। ओके, तो इंडिविजुअल में तो बहुत ही सिंपल था। अब हम लोग देखेंगे कि हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज दी होगी, जिसमें फ्रिक्वेंसी भी दी गई होगी डेटा के साथ, उसमें हम लोग मोड को कैसे फाइंड करेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन है, वेट ऑफ 50 स्टूडेंट्स इज गिवन बिलो, कैलकुलेट द मोड। ओके, कैलकुलेट मोड, तो वेट हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया, 48 49 50 51 52 53। ओके, एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस 4 10 20 11 3 2। ओके, तो इसके साथ जैसे 48 जो वेट है वो 4 टाइम्स आया, 49 10 टाइम्स आया, एंड 50 हमारा 20 टाइम्स, एंड 51 11 टाइम्स, 52 3 टाइम्स, एंड 53 2 टाइम्स। ओके, तो ये हम लोगों का
एक डेटा के साथ फ्रीक्वेंसी दी है तो डिस्क्रीट सीरीज है। तो अब हम लोग देखेंगे कि डिस्क्रीट सीरीज में कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो डेटा की इसमें दिए गए है, जो डेटा की है द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जिस डेटा के पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। अब हम लोग देखें किस डेटा के पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। इसमें देखते हैं, ये हमारी है फ्रीक्वेंसी, ओके, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। तो इस फ्रीक्वेंसी में देखें हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 20 है, ओके। तो 20 हमारा क्या हो जाएगा, 20 हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, 20 हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। सो हेयर वी कैन सी दैट 50 नंबर फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जो 50 नंबर की फ्रीक्वेंसी है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, कितनी है, 20 है। तो मोड इस सीरीज का क्या होगा, 50 विल बी द मोड ऑफ दिस सीरीज। तो अब समझे हमें क्या डिस्क्रीट सीरीज में देखना है, डिस्क्रीट सीरीज में हमें देखना है किसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, जो फ्रीक्वेंसी नंबर है वो किसका सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 50 का जो फ्रीक्वेंसी नंबर है, 20 वो सबसे ज़्यादा है, बाकी सबके कम है, ये 11 है, ये 3 है, ये 10 है, तो ये क्या मोड नहीं होंगे। तो मोड कौन सा होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है, 50 की। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 50 विल बी द मोड ऑफ दिस सीरीज, ओके। तो अब हम लोगों ने समझ लिया कि डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वही हमारा मोड कहलाता है, ओके। तो अब हम लोगों ने डिस्क्रीट सीरीज देख ली, इंडिविजुअल सीरीज देख ली, अब हम लोग देखेंगे क्लास डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज या कंटिन्यूस सीरीज, उसमें कैसे हम लोग फाइंड करते हैं उसमें देखेंगे, ओके। तो अब हम लोग इसमें देखते हैं, यह हमारे पास एक क्लास डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज दे रखी है, तो इसमें हमें मोड को फाइंड करना है। कैलकुलेट द मोड, एक मिनट, हाँ, कैलकुलेट मोड ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, ओके। तो इस सीरीज में हमें ये दिया गया 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। तो ये क्या है, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी सीरीज है, कंटिन्यूस चल रही है। उसके साथ इसकी फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है 20, 24, 32, 28, 20, 26, ओके। इसके साथ इसकी हमें फ्रीक्वेंसी भी दे रखी, तो इसमें हम लोग कैसे फाइंड करेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने जो क्लास थी उसको नोट डाउन कर लिया, ओके, हमने हमें जो क्लास दी गई थी वो हमने नोट डाउन कर ली, ओके। फिर हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी को नोट डाउन कर लिया, जो हमें फ्रीक्वेंसी दी गई थी, ओके, हमने फ्रीक्वेंसी को नोट डाउन कर लिया, ओके। अब हम लोग देखते हैं इसका फार्मूला क्या होता है, जो क्लास डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज है उसके मोड का फार्मूला क्या होता है। उसके मोड का फार्मूला होता है लोअर लिमिट ऑफ द क्लास L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू C, ओके। तो अब आप लोग कहेंगे कि F1, F0, ये L1 तो आप लोगों को पता है, पहले भी बता चुका हूँ क्या होता है। इसमें F1, F2, F0 जो है नए टर्म आए, उसको अभी मैं आपको बताता हूँ, ओके। तो इसके स्टेप्स क्या होंगे, इसके स्टेप्स होंगे, पहला स्टेप होगा फाइंड द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जैसे हम लोगों ने क्या कहते हैं इसमें डिस्क्रीट सीरीज में किया। तो इसमें सीरीज में देखें सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी मिल रही है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 20 है, नहीं, 24 नहीं, 32 हाँ हो सकती है, देख लेते हैं अभी पूरी, 28 नहीं, 20 नहीं, 26 नहीं, ओके। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 32, ओके। तो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, फाइंड द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हम लोगों ने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली। अब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी फाइंड क्यों करी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने फाइंड करी ताकि हमें क्लास पता चल सके। देखो फाइंड द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो गया, ओके, अब फाइंड द क्लास ऑफ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 32, ओके। अब 32 के सामने कौन सा क्लास दिया गया है, 10 टू 15 वाला क्लास, तो हमारा क्लास कौन सा होगा, 10 टू 15 क्लास, ओके। अब हम लोग जो सारा डेटा है जो हम लोगों को पता करना है वो हम लोग यहाँ से फाइंड कर लेंगे, ओके। तो अब हम लोगों को फार्मूले के अकॉर्डिंग L1 चाहिए, तो अब हम लोग देखते हैं L1 कैसे फाइंड करेंगे। L1 क्या होगा, इस वाली सीरीज का L1 क्या होगा भाई, लोअर लिमिट क्या है, 10 है, तो हमारा क्या आ जाएगा, L1 हमारा 10 आ जाएगा, गुड। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 10 15 के बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है, 5 का है, इसमें भी 5 का है, इसमें भी 5 का है, इसमें भी 5 का है, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, C 5 आ गया, ओके। हमें कॉमन डिफरेंस पता चल गया, हमें L1 पता चल गया, अब हमें ढूंढना है F1, F0 एंड F2। तो F1 क्या होता है, F1 वो होता है जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ये हो जाएगा हमारा F1, ओके, ये हमारा हो जाएगा F1, ये हमारा F1 हो गया।
और ये हमारा हो जाएगा, उससे एक स्टेप अगर हम घटा देंगे, उससे माइनस कर देंगे, तो यह हमारा हो जाएगा एफ जीरो, ये हमारा हो जाएगा एफ जीरो, ठीक है, ये हमारा हो गया एफ वन। अब इसमें एक स्टेप ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा एफ टू। ओके, तो अब हम लोगों ने तीनों चीजें समझ ली, एफ वन क्या है, एफ वन क्या है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन डाटा, एफ वन मिल गया। अब वन से एक माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ जीरो यानी उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, और एफ वन में एक ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ टू उसके नीचे वाली फ्रिक्वेंसी, ठीक है। अब हमें जितना हमें फार्मूले के लिए चीज चाहिए थी वो सब हमें मिल चुकी हैं। हमें क्या क्या चाहिए था, हमें चाहिए था L1, F1, F0 और F1, F0, F2 एंड C। हमें तीनों चीज़ें मतलब सभी चीज़ें लगभग मिल चुकी हैं फार्मूले की, तो अब हम इन वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट करेंगे एंड मोड फाइंड करेंगे। तो अब फार्मूले में पुट करते हैं, देखते हैं। L1 फार्मूला, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू C। अब वैल्यूज को पुट करेंगे, L1 की वैल्यू को रख देंगे 10, ओके ओके 10 रख दिया, देन वन मिनट, हाँ ओके इसको 10 रख दिया, देन C की वैल्यू को हमने 5 रख दिया यहाँ पर, इसको आप वो कर दीजिएगा, ये कुछ नहीं है यहाँ पर, ओके ये 5 पुट कर दिया, देन F1 की वैल्यू को 32 पुट कर दिया, F0 की वैल्यू को यहाँ पे 24 पुट कर दिया, F2 की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया, 2 इंटू F2 था, और माइनस में F1 F2 लिख दिया, ओके और इंटू में 5 कर दिया, ओके। अब हम लोग यहाँ से क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे 32 में से 24 गया, 8 आया, 8 को, 8 को हमने क्या कहते हैं 5 से मल्टीप्लाई कराना है, एंड देन जब नीचे सॉल्व करेंगे हमें कितना मिलेगा, 12 मिलेगा, और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे 14 बाई 12 प्लस 10, और इसको सॉल्व करेंगे तो 3.33 आएगा, और उसमें 10 में ऐड करके लिख देंगे तो कितना आ जाएगा, 13.33, ओके ये हमारा मोड आ जाएगा। तो हमने समझ लिया क्या, हमने इसमें समझा कि हमें पहले तो इसका फार्मूला हम लोगों ने देख लिया, फार्मूला क्या था, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू C। फिर हमने सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने करना है कि फाइंड द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी फाइंड करी जिससे हमें क्लास मिल जाएगा, क्लास के बाद हमने सारी चीज़ें फाइंड कर लेनी है, ओके। तो आज हम लोगों ने लगभग जो इसमें मेन थी सारी सीरीज, उसमें हम लोगों ने देख लिया कि मोड को कैसे फाइंड करते हैं, मोड के सारे फार्मूले देख लिए, मेथड समझ लिए, मोड क्या होता है इसको समझ लिया, इंडिविजुअल में मोड देख लिया, डिस्क्रीट में मोड देख लिया, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी में मोड देख लिया, ओके। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगी और आपको सारे डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ओके बाय।